अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा वसिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ़। करबलाए मौला हमारा ईमान है। शबे जुमा हो, करबलाए मौला हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो, इससे बड़ा शरफ़ हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फ़रमाया है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और इस बात पर भी कि उसने हमें ज़िक्र की नेमत अता फ़रमाई और इस बात पर भी कि उसने हमें करबला जैसी हिदायतगाह इनायत फ़रमाई। करबला मौला में मौजूद हैं, आप सबके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको भी जल्द करबला मौला में आकर मौला का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तवस्सुल की घड़ियाँ नसीब हों। वो आपके अज़ीज़ जो आपके लिए मिशल हिदायत रहे, जिन्होंने आपके हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाया या जिन्होंने आपके ऊपर एहसान किया दीन के लिए, ईमान के लिए, आज़ादारी के लिए, खुदावंद मुताल उन सब की दुआएं कबूल फ़रमाए। आज जुमेरात का दिन है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। मौला की मेहमान नवाजी में रहे। 24 रबीउल सानी 1445 हिजरी कमरी है और 9 नवंबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1326 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं जनाब नोहा व मनकबत खां आगा इर्तज़ा अली क़ज़लबाश साहब पेशावर पाकिस्तान से और जनाब सैयद अब्बास हैदर नक़वी साहब कुटेला पाकिस्तान से। शायर भी हैं, नोहा खां भी हैं, मनकबत भी हैं, ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम भी हैं और ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद साजिद शिराज़ी साहब भक्कर से हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात पर इजाफ़ा फ़रमाए। आए दोस्तान से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। यकीनन ज़िक्र की घड़ियाँ, तवस्सुल की घड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। करबला में आके पूछना कि कैसा लग रहा है, दिल के अरमान हैं, दिल की कैफियत है जो बयान से बाहर होती है। बस आँखों से पता लग जाता है क्या कैफियत है, या इंसान की हरकत और सकनात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो भी जिसका जितना दर्क है, वरना इंसान महसूस नहीं कर सकता करबला में आके कैसा लग रहा है। करबला में आए हैं और शब जुमा नसीब हुई है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी शुक्रिया, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्रिया, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का शुक्रिया कि अपने जद के दर को चूमने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। करबला में मौजूद हैं, तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। मौला की बारगाह में क्या हदिया करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक मुसद्दस जो है सबसे पहले मैं तिलावत करना चाहूँगा। माशाल्लाह। तो मेरे साथ चूँकि इतनी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं, इतने शरीले लोग, खुदावंद करीम इनकी तौफ़ीक़ात, इनकी ज़बान में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। माशाल्लाह। तो चूँकि मैं करबला आया हूँ, किसी ने एक ज़ाहिर से पूछा कि आप करबला में मौजूद हैं तो यहाँ क्या मौजज़ा हुआ है, कोई मौजज़ा देखा है आपने? तो मुस्कुरा के उसने कहा कि हाँ, यहाँ मैंने एक मौजज़ा देखा है। सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि मैं करबला में हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह। मुझ जैसा बंदा भी करबला में है। तो आज मैं एक पहले मुसद्दस पढ़ता हूँ, फिर एक शेर कसीदे का। वाह। मैं बा कमाल हूँ, मेरी दुआ कमाल की है। वाह वाह वाह। मैं बा कमाल हूँ, मेरी दुआ कमाल की है, दर अली पे जो दी है सदा कमाल की है। वाह 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 वाह। और शेर की सुनिएगा। मैं बा कमाल हूँ, मेरी दुआ कमाल की है, वाह, दर अली पे जो दी है सदा कमाल की है, वाह, और खुशी से झूम के कहते हैं राहिबो फुतरस। वाह वाह वाह। खुशी से झूम के कहते हैं राहिबो फुतरस, सखी हुसैन की हम पे अता कमाल। वाह 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 वाह। और जावेद भाई प्लीज सुनिएगा। सखी हुसैन की हम पे अता कमाल की है, जो पंज तन के सरों से बुलंद रहती है। वाह वाह। जो पंज तन के सरों से बुलंद रहती है, जनाब जहरा के सर की रिदा कमाल की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जो शेर करबला में पढ़ना चाहिए वो ये है कि सदाएं देता है काबा बरोज आशूरा। वाह वाह वाह। सदाएं देता है काबा बरोज आशूरा, कहता है मैं मोहतरम हूँ मगर करबला कमाल। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल की है। वाह। तो बस दो शेर ही फकत मैं कसीदे की तलावत करना चाहूँगा, भाई से दुआ लेके। इनायत। दिल में शबीर तेरा नाम बसा रखा है। वाह वाह वाह। दिल में शबीर तेरा नाम बसा रखा है। वाह वाह। मैंने कुरान को सीने में छुपा रहा। वाह 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 वाह। जियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाती के कुरान। वाह 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 वाह। सीने में छुपा रखा है, दिल में शबीर। वाह वाह वाह। और सुनिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाह। सोच सकते ही नहीं उसकी बुलंदी क्या है। वाह 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 वाह। सोच सकते ही नहीं उसकी बुलंदी क्या है, जिसको कांधों पे मोहम्मद ने उठा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद ने उठा रखा है। वाह वाह। दिल में शबीर तेरा नाम बसा रखा है। वाह वाह। और इमाम वक्त से मुखातिब होके एक शेर आपकी नजर। बिस्मिल्लाह। मजले से शाम में जराया के तो देखें मौला। वाह 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 वाह। मजले से शाम में जराया के तो देखें मौला। हमने तौहीद को मेहमान बना। वाह 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 वाह। जियो। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया जनाब। वाह वाह वाह। मेहमान बना रखा है, दिल में शबीर। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, तौहीद को मेहमान बनाया करबला में। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इसी तरीके से प्यारे प्यारे कलाम मौला की बारगाह में हदिया फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे और मवद्दत के नजराने मार्फत का पैगाम कायनात में आम करते रहें। खुदावंद मुताल आपको ये शरफ़ हमेशा दिए रखे, ज़ाकिर इमाम हुसैन, ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम। कायनात में इससे बड़ी इज़्ज़त हो ही नहीं सकती कि मौला से हमारी निस्बत हो जाए। किसी भी सूरत में हो, मौला से निस्बत होनी चाहिए। मौला कबूल कर लें, मौला आपको सलामत रखें, सदाबाद रहें। ये थे हमारे साथ जनाब ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद साजिद हुसैन शिराज़ी साहब भक्कर पाकिस्तान से। सलामत रहें। अब मैं अर्ज़ करूँगा जनाब मोहतरम नोहा वमन कबत खां आगा इर्तज़ा अली क़ज़लबाश फ्राम पेशावर से क्या इनायत कर रहे हैं आज मौला की बात। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक बार फिर इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। आप और इतने अच्छे कि जी चाहते बार बार बुलाया जाए आपको। मौला आपको सलामत रहे। और पढ़ने से पहले एक मैसेज भी देना चाहूँगा देखने वालों को और एक मौजज़ा बताना चाहूँगा। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आपके साथ क्या मौजज़ा हुआ करबला जाके, तो बस एक आध मिनट का ये बात करूँगा, उसके बाद अपनी हाज़िरी लगाऊँगा। बिस्मिल्लाह। मैं 4 दिन से करबला में था और मेरी एक कोशिश थी, एक ख्वाहिश थी कि मैं सरदाब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाऊँ, ज़ियारत करूँ। अल्लाह। कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं जाने दे रहे थे और आज तो शब जुम्मा था, तो रात को मैं सोने से पहले एक दुआ की कि मौला का जिक्र जब से कर रहा हूँ तब से अब तक अगर कोई भी मेरा एक लफ्ज़ भी कबूल हुआ है तो मैं ज़ियारत करके जाऊँगा, मैं ज़ियारत बग़ैर नहीं जाऊँगा। तो इत्तेफाकन भाई यहाँ पर मौजूद भी हैं और यहीं पे रिला ज़ैनबिया के पास मुझे ये भाई मिले और बोला आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा मैं ज़ियारत करने निकला था, तो कहते हैं आए नीचे सरदार मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते हैं। वाह। तो वाह वाह, ये मेरे लिए एक मौजज़े से कम नहीं था। वाह। और मैंने ज़ियारत की और ये बेशक एक तोहफ़ा है। सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह से हमारे ग्रुप का नाम भी तोहफ़ा इमाम हुसैन है और वो भी हर साल मोमिनीन को तोहफ़ा देते हैं। वो ये तोहफ़ा है कि अगर कोई नहीं आ सकता तो वो उनको अपने साथ लाते हैं करबला, ज़ियारत करवाते हैं। किसी के अगर कोई ज़ियारत नहीं कर सकता तो वो अपनी तरफ से ज़ियारत करवाते हैं और मैं ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे ग्रुप के साथ आया हूँ। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में चंद अशार आप सबकी समातों की नज़र हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फरजहु। क्या करेगा कोई सनाए हुसैन, क्या करेगा कोई सनाए हुसैन, है रज़ाए खुदा रज़ाए हुसैन। वाह वाह वाह। खुद पे कुरान नाज करता है, खुद पे कुरान नाज करता है, जब से ना पे उसे सुनाए हुसैन। वाह वाह वाह। और अकीदे का शेर है भाई। बिस्मिल्लाह। जख्म जंजीर जन के भय जाए, जख्म जंजीर के भर जाए, मौजिज़े आज भी दिखाए हुसैन। एक जिसको खुदा नहीं देता, एक जिसको खुदा नहीं देता, सात बेटे उसे दिलाए हुसैन। कमाल है जनाब। एक जिसको खुदा नहीं देता, एक जिसको खुदा नहीं देता, के साथ बेटे उसे दिलाए हुसैन। क्या करेगा कोई सनाए हुसैन, है रज़ाए खुदा रज़ाए हुसैन। अब मौला की चौखट पे सर झुकाने से क्या मौजज़ा होता है। सब्ज़ली शहजाद साहब का कलाम है माशाअल्लाह कि सर झुकाए जो इसकी चौखट पे कम से कम हुए उसे बना हुसैन जियो एक कलाम के दो अशार आपकी समातों की नज़र हैं और ये ख़ास तौर पे उन देखने वालों के लिए जो करबला नहीं आ सकते, तो अपने अपने दिल में दुआ भी करिएगा और हमारी दुआएं भी आप सबके साथ हैं। मुझको भी ले चले हवा करबला 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 मुद्दतों से रो रहे हैं नैन देख लूँ मैं रोज़ाए हुसैन चूम लूँ मैं अर्ज़े करबला बेकरार दिल को आए चैन दिल ये बेकरार है आँख अश्क बार है अब्बास दे मुझे सदा करबला 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 सह चुका हूँ तंग दस्तियाँ जिंदगी की सारी सख्तियाँ मैंने ज़ायरी के शौक में खाई हैं नमक से रोटियाँ अब ये दिन दिखा मुझे रोज़े पे भुला मुझे पूरा हो ख्वाब अब मेरा करबला 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 करबला। और आखिरी दौर शायर आपकी समातों की नज़र है इनायत तौर पे हैदर भाई। कितने ऐसे लोग हैं मिले जो कभी न करबला गए आते जाते काफिलों को वो बेबसी से देखते रहे ज़ायरों में हो शुमार सब हुसैनी पुर सदा ऐसा कोई रास्ता बना करबला 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 करबला। अब करबला पहुंच के एक मोमिन की कैफियत क्या होती है आखिरी शेर में आपकी समातों की नजर है इनायत। है नजर सुए हरम बढ़े चलो कदम कदम बढ़े चलो कदम कदम लेके हाथ में अलम बढ़े चलो कदम कदम बढ़े चलो कदम कदम ये मशी है मोहतरम बढ़े चलो कदम कदम तन पे है लिबास गम बढ़े चलो कदम कदम या हुसैन दम बदम कहते जा रहे हैं हम हमको इश्क लेके जाएगा करबला 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 मुझको भी ले चले हवा करबला 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 करबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत मोहब्बत के साथ एक वजद के साथ आपने मौला की बारगाह के अंदर तराना मवद्दत पेश किया। खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फ़रमाए और ये हवा आपको बार बार करबला लाती रहे और हमेशा दिल और रूह जिस्म और दिमाग के अंदर करबला रहे, दुनिया आखिरत में करबला रहे, ये दामन चोली का साथ रहे, हमेशा सदा आबाद रहे। आप ये थे जनाब नोहा व मनकबत खां, जनाब आगा इर्तज़ा अली कज़लबाश साहब पेशावर पाकिस्तान से। सदा आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रहें। अब मोहतरमुल मकाम नोहा खां, मनकबत खां, ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, सैयद अब्बास हैदर नकवी मौलाई साहब कुटेड़ा तलागंग पाकिस्तान से। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मौला के एहसान। आप कैसे हैं? करम है मौला का, एहसान है, आपकी दुआएं हैं, मवद्दत की घड़ियां हैं, है तो मवद्दत के साथ ही ज़िंदगी वरना मौत है। अल्लाह ज़िंदा से मुर्दा और मुर्दा से ज़िंदा जो निकालता है, यहाँ पे विलायत ही है। ज़िंदा से मुर्दा निकालना, विलायत वाले के घर में कोई दुश्मन अहले बैत पैदा हो जाए और दुश्मन अहले बैत के घर में पैदा हो जाए कोई मोहब्बत के अहले बैत रखने वाला, तो वो मुर्दा से ज़िंदा हो जाता है। तो माशाल्लाह ये विलायत ही हकीकत ज़िंदगी है, कायनात की बका अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत, फलों की शीरीनी मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से ज़मीन के अंदर जो भी रोईदगी है अहले बैत अलैहिस्सलाम की विला के इकरार के सबब, फरिश्ते फरिश्ते हुए मौला के इकरार से। तो यकीनन मवद्दतों की घड़ियां हैं। शब जुमा अम्बिया आइमा औलिया अलैहिमुस्सलाम यहाँ पर मौजूद हैं। तवस्सुल की घड़ियाँ, चाहूँगा मोमिनीन को अपने साथ तवस्सुल में शरीक फरमाइए। आज बीबी सईदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि की शान की मनकबत आपकी नज़र, तमाम मेहमानों की नज़र और देखने वालों की नज़र कर रहा हूँ। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मअज्जिल फरज। हम ज़बां है, वाह, हम ज़बां है मेरा खुदाए बतूल, हम ज़बां है मेरा खुदाए बतूल, है लबों पर मेरे सनाए बतूल। हम ज़बां है, सुभान अल्लाह। और जान नमाज़े मिला पे बैठा हूँ, जान नमाज़े मिला पे बैठा हूँ, मेरा किबला है नक्शे पाए बतूल। वाह 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 वाह। मेरा किबला है नक्शे पाए बतूल। हम ज़बां है। एक एक शेर बिस्मिल्लाह मोती पुराया हुआ। वाह। अगला शेर तमाम साहिबान की नज़र करता हूँ और आपने विला की बात की है तो शेर सुनाने जा रहा हूँ कि कल्ब काबे से कम नहीं मेरा, कल्ब काबे से कम नहीं मेरा, क्योंकि है कल्ब में विलाए बतूल, क्योंकि है कल्ब में विलाए बतूल। हम ज़बां है। और हमको दुनिया मिटा नहीं सकती, बेशक बेशक हमको दुनिया मिटा नहीं सकेती, हम आज़ादार हैं दुआए बतूल। वाह 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 वाह। हम आज़ादार हैं दुआए बतूल। हम ज़बां है। एक एक शेर पहले बता चुका हूँ, बहुत खूबसूरत। जीने बुलंद करते जा रहा हूँ कि हमको मैशर की धूप का क्या गम, हमको मैशर की धूप का क्या गम, साहिबा सर पे है रिदाए बतूल, साहिबा सर पे है रिदाए बतूल। हम ज़बां और औज उसको खिराज देती है, औज उसको खिराज देती है, जो तेरे दर पे सर झुकाए बतूल, वाह 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 वाह, जो तेरे दर पे सर झुकाए बतूल, हम ज़बान हैं और उसको कैसे कहूँ रज़ी अल्लाह, वाह वाह, उसको कैसे कहूँ रज़ी अल्लाह, जो बशर दिल तेरा दुखाए बतूल, जो बशर दिल तेरा दुखाए बतूल। फिर पढ़ देता हूँ, उसको कैसे कहूँ रज़ी अल्लाह, जो बशर दिल तेरा दुखाए बतूल, जो बशर दिल तेरा दुखाए बतूल, हम ज़बान गो कि हम इनको पहचान नहीं सकते। तो एक मार्फत बरा शेर और सबकी नजर करता हूँ कि इब्तदा है तेरी हिजाब खुदा, वाह वाह, इब्तदा है तेरी हिजाबे खुदा, कौन समझे गईन तहाए बतूल, कौन समझे गईन तहाए बतूल, हम ज़बान है। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें और बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी इनायतें आपके ऊपर जारी और सारी रखें। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाते रहें। यकीनन बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, तारीफ़ अल्फाजों में नहीं हो सकती। ये कबूलियत अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से हो जाए इससे बड़ा शरफ़ नहीं हो सकता। बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में उनकी मादर गिरामी कदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी का जिक्र किया। यकीनन आज की शब में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप सब के नाम ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिस्सलाम में लिखे जाएंगे। और ये थे हमारे साथ नूहा खां, मनकबत खां, ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम, सैयद अब्बास हैदर नकवी मौलाई साहब, कोटेला तलागंग पाकिस्तान से। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने शिरकत फरमाई, प्रोग्राम को रौनक बख्शी और बरक़ात में इजाफ़े का सबब बने, करबला से तवस्सुल किया, मोमिनीन को साथ में शरीक किया। हम चाहें ना चाहें जिसके साथ भलाई करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारा हक़ अपने पास महफूज रखते हैं और वो ख़ुद अता फरमा देते हैं। और दर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जिसने जो नेकी की वो अच्छा अजर ख़ुद ब खुद पा जाता है, बग़ैर मांगे दुआएँ कबूल हो जाती हैं। करबला मौला में आप सब आए, मोहतरम मकाम ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद साजिद हुसैन शिराज़ी साहब भक्कर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मोहतरमुल मकाम ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद अब्बास हैदर नकवी साहब तलागंग पाकिस्तान, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नोहा व मनकबत खान जनाब आगा इर्तज़ा अली क़ज़लबाश साहब पेशावर पाकिस्तान, मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ। आपने शिरकत फरमाई। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में प्यारे याद आया करते हैं और शब जुमा है। आज की शब के अंदर सबको अपने अपने बिछड़े हुए प्यारे याद आए होंगे, तो लिहाजा आज की शब के अंदर अपने वक्त के इमाम को याद करें जिनके सबब से हम सांस ले रहे हैं, जिनके सबब से हमारे दुश्मन हमें ख़त्म नहीं कर सके। वब युम नहीं रोज़े कल वरा, उनके हाथ में हमारे रिज़्क़ है। आइए अपने वक्त के इमाम को याद करें, उनके ज़हूर की दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।